से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान इक्तिसादी रादारी की अहम कामयाबियों से मुतालिक चीनी हुकाम की ब्रीफिंग। चीन का कहना है कि सी पैक बेल्ट एंड रोड का फ्लैगशिप मंसूबा है। सी पैक के तहत जारी चीन पाक ताउन ने ठोस नतायज हासिल किए हैं और ताउन के दायराकार को मजीद वसत दी गई है। मजीद तफसीलात बीजिंग से शायद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से मुतल्लिक एक वाइट पेपर जारी किया है ताकि आलमी बिरादरी को इस इकदाम की अहमियत के बारे में बेहतर अंदाज से बताया जा सके। चीनी हुकाम ने इस मौके पर बताया कि आलमी इक्तिसादी राहदारियां बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर के लिए एक अहम कैरियर हैं। उन्होंने सी पैक की तामीर की कामयाबियों से आगाह किया जो 10 साल कबल शुरू किया गया था और BRI का एक फ्लैगशिप मनसूबा है। चीनी हुकाम के मुताबिक सी पैक का अहम मनसूबा ग्वादर पोर्ट अब पूरी सलाहियत के साथ काम करने की अहलियत रखता है। ग्वादर फ्री जोन के इब्तदाई इलाके में सरमायाकारी के फरोग का काम बुनियादी तौर पर मुकम्मल हो चुका है और इसकी मावन सहूलियात को अपग्रेड किया गया है। सी पैक के पावर सोर्स तवानाई के 14 मनसूबे तजारती ऑपरेशन में दाखिल हो चुके हैं जिनकी कुल पैदावारी सलाहियत 8000 मेगावाट है। पाकिस्तान में नकलो हमल के नेटवर्क को मुसलसल बेहतर बनाया जा रहा है। शाहराए कराकरम के दूसरे मरहले और लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जैसे तारीखी मनसूबों ने कामयाबी के साथ काम शुरू कर दिया है। चीनी हुकाम ने मजीद बताया कि सी पैक के तहत दोतरफा तआवुन ने ठोस नतीजे हासिल किए हैं और तआवुन के दायराकार को मजीद वसत दी जा रही है। माहरीन के नज़दीक पाकिस्तान में सी पैक मनसूबा जात की तकमील से मुल्क की इक्तिसादी समाजी तरक्की को आगे बढ़ाने में नमाया मदद मिली है और जो जो ये मनसूबा जात मजीद आगे बढ़ रहे हैं उसी कदर पाकिस्तान की तरक्की के इम्कान भी वसी हो रहे हैं और सी पैक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इलाकई तरक्की का भी एक नया महवर होगी।